हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 2। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किस शहर ने ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम की मेज़बानी की? यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा, आपका समय बचेगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। किस शहर ने ग्लोबल ESG कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम की मेज़बानी की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने के लिए तैयार है? सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस शहर ने AI संचालित स्मार्ट पैदल यात्री क्रॉसिंग सिस्टम तैनात किया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाई एल्टीट्यूड वाटर चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी किस देश के पास स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, मैक्सिको। हाई एल्टीट्यूड वाटर चेरेनकोव ऑब्जर्वेटरी किस देश के पास स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? मैक्सिको। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, रमन सुकुमार को। किस भारतीय को जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहां पे सही आंसर होगा, रमन सुकुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, माया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उस न्यूनतम तापमान का क्या नाम है जिस तक पानी के वाष्पीकरण द्वारा वर्तमान परिवेशीय परिस्थितियों में पहुंचा जा सकता है? तो क्या बोलते हैं? वेट बल्ब टेम्परेचर। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्राफीन ऑरोरा कार्यक्रम लॉन्च किया? सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से कौन सा राज्य उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से कौन सा राज्य उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भर्तीकर्ताओं और डिजिटल रूप से कुशल उम्मीदवारों के बीच अंतर को पाटने के लिए किस संस्थान ने टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किया? सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन डी, नैसकॉम ने। टैलेंट कनेक्ट पोर्टल का अनावरण किसने किया है? नैसकॉम ने। और नैसकॉम का मतलब क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनीज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? तो टॉप पे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही आंसर हो जाएगा। और अगर सिटी की बात की जाए तो शहरों में इंदौर टॉप पे है, और दूसरे स्थान पे कौन है शहर में? तो दूसरे स्थान पे है सूरत, और तीसरे स्थान पे है आगरा। और अगर स्टेट की बात की जाए तो पहले स्थान पे कौन सा है? मध्य प्रदेश। सेकेंड स्थान पे है तमिलनाडु, और तीसरे स्थान पे कौन है? तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश एक साथ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। GH फॉर इंडिया जिसे खबरों में देखा गया था किस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, संयुक्त उद्यम कंपनी है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं को आगे बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। GH फॉर इंडिया जिसे खबरों में देखा गया था किस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, संयुक्त उद्यम कंपनी है? तो ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा, हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं। और ये किसका है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, LNT है, और रिन्यू, ठीक है, इनका ज्वाइंट वेंचर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग
मून किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जापान। और आपको स्लिम का मतलब भी याद रखना है, स्लिम का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैप्टन बना सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 2023 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लैशेस ऑफ लाइट, प्रकाश की चमक में इलेक्ट्रॉन के लिए, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन फॉसे किस देश से है? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नॉर्वे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? अच्छा, ये जो एक्सरसाइज होता है किनके बीच होता है, तो भारत और यूएई के बीच, इंडियन नेवी और यूएई के नेवी के बीच। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, जायद तलवार 2023 अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएई में हो रहा है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छा इसमें कौन सा जहाज किया था भारत की तरफ से, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल पदोन्नति प्रमोशन के लिए 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र लागू कर रहा है? तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडियन नेवी। तो ये तो था हमारा सेट नंबर 2। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है, आपको वहाँ पे जनवरी से लेके सितंबर 2023 तक का करेंट अफेयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आप वहाँ पे करेंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं स्टेट PCS लेवल तक। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।